बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के इस लेक्चर में हम एक वायर लेंगे। उस वायर की लेंथ हमें गिवन होगी, लेंथ हम यूज़र से ले लेंगे और इस लेंथ का एक सर्कल बनाएंगे और उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सपोज़ हमारे पास ये एक वायर है जिसकी लेंथ लेट्स सपोज एल है, तो हम क्या करेंगे, इस ये लेंथ यूज़र से ले लेंगे। अगर इस लेंथ की हमारे पास एक वायर हो, अगर हम इससे कुछ सर्कल बनाएं, तो सपोज़ ये हमारे पास इस वायर को यूज़ करते हुए एक सर्कल बन गया, तो इसका रेडियस आर हमें अगर मिल जाए तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ एक्चुअली हमें इसका पूरा सर्कमफेरेंस बताती है। तो सर्कमफेरेंस सर्कल का हमें पता है कि 2 बाय आर होता है, जो कि इक्वल टू है लेंथ ऑफ द सर्कल। लेंथ हमने यूज़र से ली है, आर इसमें से फाइंड करेंगे, तो इस इक्वेजन में से आर इज़ इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये हमारे पास एक लेंथ निकालने का फार्मूला आ गया। अब अगर हमारे पास यहाँ आर आ जाएगा तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो सो ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, तो इससे हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह यहाँ से हम सर्कमफेरेंस भी इसका निकाल सकते हैं ताकि ये वेरीफाई हो जाए। तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर इज़ इक्वल टू एल। अगर हम इस रेडियस को यूज़ करते हुए इसमें 2 पाई आर फाइंड आउट करेंगे तो ये लेंथ के इक्वल आ जाएगा, तो ये वेरिफिकेशन भी साथ ही हो जाएगी। तो इसकी हम कोडिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए भी इनपुट और आउटपुट हमें दो स्टेटमेंट चाहिए, बिल्ड इन फंक्शन चाहिए। तो उसके लिए हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, तो पहले हम उस हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लेंगे, स्टैंडर्ड io.h। अब हम मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्लॉट हम डिक्लेयर कर लेते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। तो उसके लिए ये लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, पाई जो है वो हमारे पास 3.14, और यहाँ से रेडियस हमारे पास एक वेरिएबल है और एक ए है और एक सी है। तो यूज़र से हम लेंथ इंटर करवाएंगे, वायर की लेंथ इंटर लेंथ ऑफ वायर इज़ इक्वल टू स्कैन एफ के थ्रू हम ये वैल्यू ले लेंगे। लेंथ वेरिएबल की हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू इसका फॉर्मेट डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद इस लेंथ के एड्रेस के ऊपर हम ये वैल्यू यूज़र से पिक कर लेंगे। अब सबसे पहले हम इस फार्मूला को यूज़ करते हुए इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे, तो सो आर इज़ इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में हम 2 स्टेरिक पाई यहाँ पे लिख देंगे। अब इस आर को यूज़ करते हुए हम एरिया फाइंड करेंगे, स्टेरिक आर। इसी तरह सर्कमफेरेंस के लिए 2 पाई आर, 2 स्टेरिक पाई स्टेरिक आर। अब हम ये वैल्यू प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट एफ एरिया इज़ इक्वल टू, यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ए प्रिंट ले लेंगे। इसी तरह प्रिंट एफ सर्कमफेरेंस इज़ इक्वल टू फॉर्मेट, और उसके बाद यहाँ पर हम सी लिख देंगे और ये हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आप अगर सी की वैल्यू हमारे पास सर्कमफेरेंस लेंथ के इक्वल आ जाए तो ये साथ वेरीफाई भी हो जाएगा, तो लेंथ और दोनों चीज़ें सेम आ जाएंगी। तो डैट्स ऑल, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे मज़ीद हम इसकी एग्जांपल कुछ करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जज़ाकअल्लाह।